प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि आप जब कोई घर परचेज करते हैं या कोई घर रेंट पे लेते हैं तो क्या चीज आपको उसमें देखना है। जी हाँ, अगर आपको घर रेंट पे लेते समय या परचेज करते समय ये कमी दिखती है तो कभी भी आप उस घर में ना निवास करें, ना परचेज करें और ना उसे रेंट पे ले, नहीं तो आपको जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कठिनाइयों में भी मैं बता दूं, शिक्षा में बाधा, करियर में बाधा, धन की हानि, संतान आपका कहना नहीं मानेंगे और मानसिक तनाव परिवार में किसी न किसी का अस्वस्थता के चलते या खुद भी आप अस्वस्थ रहेंगे जिसमें धन का व्यय होगा। यानी मैं जो आपको बता रहा हूं, आपको लगता है कि घर में ये कमी है तो आपको घर कभी परचेज ना करें। अगर आप कोई घर परचेज करते हैं या रेंट पे लेते हैं और वो घर रोड से नीचा है, आप वो घर कदापि ना लें। वो घर लेंगे आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप कोई घर लेते हैं और घर के मैक्सिमम कमरे जो है अंधेरे हैं, यानी उजाला की उसमें कमी है यानी अंधेरा है, आप उस घर को ना लें, ना परचेज करें ना रेंट पे लें, आपको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप घर लेते हैं और उस घर में उत्तर पूर्व की तरफ टॉयलेट का टैंक बना हुआ है या फिर टॉयलेट रूम बना हुआ है तो आप कदापि उस घर को ना लें। आप उस घर को लेंगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कोई घर ले रहे हैं और उस घर के जो पूरे पूरे घर है उसमें अगर पीपल का, कटहल का या नीम का पेड़ का छाया आता है, फिर भी आप उस घर को ना लें, आपको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ना रेंट पे ले और ना परचेज करें। इसके अलावा अगर आप कोई घर लेते हैं, घर के जस्ट सामने में अगर मंदिर है या फिर बहुत बड़ा खंभा या पेड़ है तो आप उस घर को ना ले, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आप कोई घर परचेज कर रहे हैं और घर परचेज करते समय घर का जो फर्श होता है अगर वो नमी है यानी पसीज रहा है, उससे पानी पसीज रहा है, आप उस घर को ना ले। और अगर कोई आप घर को लेते हैं उस घर में दीमक लग रहा है, फिर भी आप उस घर को ना ले, आपको जीवन में काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आज मैंने आपको बताया है कि आपको किस प्रकार का घर में निवास नहीं करना चाहिए, वो रेंट का हो या परचेज का हो। आप इस चीजों को फॉलो करें, जीवन में सफल होंगे। बहुत जल्द मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है, हमारी जानकारी आपको आपके जीवन में सफलता की ओर आपको ले जा रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें ताकि लोगों को जानकारी हो और लोग बड़े बड़े गलतियां करने से बच जाए। फिलहाल मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, बहुत जल्द मैं और भी बहुत अच्छे वीडियो लेकर के आऊंगा। प्रिय दर्शकों नमस्कार।